रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की बीफ बिरयानी। चलें आप लोग को मैं इंग्रेडिएंट्स सिखाती हूँ। ये मैंने तकरीबन हाफ के जी सेला चावल लिए हैं। ये मैंने 2 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिए थे। और 750 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है, इसमें थोड़ी बहुत हड्डी भी शामिल है। 150 ग्राम मैंने ये दही लिया है। 2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, इनको मैंने चॉप कर लिया है, 1/2 कप घी है, 3 प्याज को मैंने कश करके लिख लिया है, 6-7 हरी मिर्चें हैं। ये 1 पैकेट मैंने बिरयानी का मसाला लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा। और ये मैंने थोड़े से तेज़पात ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये 4-5 बादियान के फूल हैं, 2 ये दालचीनी के टुकड़े हैं और तकरीबन 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डाल के प्याज को गोल्डन कर लेंगे। ये हमारा घी गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हमें प्याज को गोल्डन कर लेना है। हमारी प्याज तकरीबन गोल्डन होने वाली है, इसमें से हम आधी प्याज जो है वो निकाल लेंगे। वो जब हम चावल डालेंगे तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और बाकी का मसाला तैयार करेंगे। थोड़ी सी प्याज हम निकाल रहे हैं। अब इसमें हम मसाला तैयार करेंगे। ये हम गोश्त डाल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और साथ ही ये गरम मसाले डाल देंगे थोड़े थोड़े से। और बाकी हम चावल में डालेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम फ्राई करेंगे।
जब तक भूनना है जब तक ये सफ़ेद ना हो जाए, फिर हम बाकी सारे मसाले डाल देंगे। ये देखिए हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। ये बिरयानी मसाला है, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये पिसा हुआ धनिया है, और ये नमक है, और ये हल्दी है, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है। अब हम इसको खूब भूनेंगे। और साथ ही हम ये टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी हमें भूनना है, जब तक टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी हमारा भून जाएगा। ये हमारा मसाला भून गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, फिर दही के साथ भी हमें भूनना है। फिर उसके बाद हम पानी डाल के, तकरीबन 3 कप पानी डाल के, तकरीबन 1 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे इसको रख देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी दही का पानी हमें खुश करना है ना, दही और मसाला खूब अच्छी तरह से भूनना है हमें। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, आयल भी सेपरेट हो गया। तकरीबन 8 मिनट लगे हैं हमें अपना ये मसाला भूनने में। अब तकरीबन हम 4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, वरना हमारा पानी ड्राई हो जाएगा और गोश्त जो है वो गलेगा नहीं। तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए भाई हमारा बिरयानी का कोरमा रेडी हो गया है। अब हम तैयार करेंगे चावल। चावल के लिए अब हम पानी उबालेंगे। के लिए हम कम से कम 5 गिलास पानी को बिल्कुल खौला लेंगे। और जैसे ही पानी में खौल आ जाएगा हम चावल डाल देंगे। अब साथ में ही हम इसके ये तेज़पात डाल देंगे, ये काली मिर्चें डाल देंगे, और ये ज़ीरा डाल देंगे, और ये बादियान के फूल डाल देंगे,
और ये लौंगे डाल देंगे और ये सफ़ेद इलायची डाल देंगे और ये दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून ये हम ये सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें और 1 टेबल घी डाल देंगे। अब जैसी खोल आएगा हम इसमें चावल कन्वर्ट कर देंगे। भाई हमारे पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हमारे चावल पक जाएंगे हम इसको ड्रेन कर लेंगे और इसको कोरमे के ऊपर बिछा देंगे और तह लगा देंगे हम बिरयानी की। ये देखिए भाई हमारे यहाँ चावल रेडी हो गए, ये कोरमा हमारा तैयार है। अब इसमें हम ये हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम ये सारे राइस इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और ये केवड़ा वाटर डालेंगे हम तकरीबन 3 टेबल स्पून। और ये ऑरेंज फूड कलर इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये प्याज जो हमने रेड करके रखी थी वो इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे। चलें अब थोड़ी देर बाद हम स्लो कर देंगे। अभी फ्लेम हाई है, थोड़ी स्टीम बन जाए तो तकरीबन 10 मिनट बाद हम स्लो करेंगे। ये देखिए भाई हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखिए भाई हमारी यमी यमी बीफ बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो भूख लगने लग गई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।